हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल देख रहे हो कि किस तरह से वल्गरटा वीडियो या फिल्में बन रही हैं, और उसी नक्शे कदम पे आजकल जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं भोजपुरी समाज के लोग, जिनका फेसबुक पेज है या फिर यूट्यूब चैनल है, वो ऐसे गंदे गाने पे, वही भोजपुरी गंदे गाने पे जो भोजपुरी के लोग बनाते हैं, जिसको कहते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़, जिनमें अश्लील गाने एल्बम बनाए जाते हैं, और वो लोग यूट्यूब का चैनल है उनका और उसी पे अपलोड करते हैं, और जैसे अपलोड होता है जितने भी इरकुट चिरकुट रील्स बनाने वाले हैं उसी अश्लील गाने पे वो लोग लिपसिंग करते हैं अश्लील गाने पे। और वही हमारा समाज, जो नई जनरेशन है, ऐसे लोगों को देखती है, फॉलो करती है, सब्सक्राइब भी करती है। लेकिन देखने से क्या होता है, लोग दूसरे को भी सुनाते हैं, आवाज़ तेज करके मोबाइल से चलते हैं, तो समाज में ऐसे गंदगी फैलती है। और उन्हीं इरकुट चिरकुट में से हैं दो तीन नाम मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके, जो अश्लील गाने के नाम पर उनका नाम फेमस है। जैसे एक हो गया जो है कि विष्णु राज, और विष्णु राज की औरत जिसको मालती बोलते हैं, और दूसरा है भोजपुरी या भौजी। एक बार अपने पति को ही गायब करती है और जाती है ब्यूटी पार्लर में, सजती धजती है वहाँ पे अच्छे से, अपना उसका बाल चेहरा सब सफाई होता है, और फिर आके वीडियो बनाती है कि मेरा पति गायब हो गया है। और आपको बता दूँ, ऐसे लोगों को एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, ऐसे लोगों को कभी भी सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करता है। ऐसे लोगों को बस वही फॉलो करेगा जो घर पे बैठा है, जिसको मोबाइल मिल गया है पढ़ाई के नाम पे, और उस मोबाइल में रिचार्ज या तो उसका भाई या तो उसका पिताजी मुंबई में कहीं दूर बैठ के कमा के कर रहा है, और वो घर पे बैठ के पढ़ाई के नाम पे डेटा और नेट चाट रहा है। तो जिसकी सोची ऐसी है तो ऐसे लोगों को ही फॉलो करेगा ना। लेकिन ये लोग जिनके बारे में बता रहा हूँ, गंदी वीडियो बनाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, उनको लगता है कि मुझे इतने लोग फॉलो किए, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, उनके अंदर एक ईगो आ जाता है। उनकी वीडियो आप देखो तो आपको पता चलता है किस तरह मूर्ख बनाते हैं। बोले हेलो दोस्तों, देखो मेरा आज पति गायब हो गया, फिर बोलेगा आज तो मेरी मुर्गी बीमार हो गई, फिर कोई आके बोलेगा मेरी गाय आज बीमार हो गई। भाई क्यों कोई जानना चाहेगा आपकी गाय या मुर्गी बीमार हो गई? अपनी और गाय मुर्गी तो कोई ठीक ही नहीं करा पा रहा है, तो आपकी गाय और मुर्गी क्यों देखना चाहेगा? आप लोग पीएम हो, जरा सोचो। ये है सोशल मीडिया की सच्चाई दोस्तों। तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को फॉलो या सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर फॉलो और सब्सक्राइब भी करना है तो किसी ऋषि मुनि को करो, गीता उपदेश को करो, रामायण ग्रंथों को करो, किसी अच्छे गुरु को करो, जिससे आपको सीख मिले, सच्चाई मिले, जीने का तरीका मिले, जीने की राह मिले, अच्छा ज्ञान सीखो, ताकि समाज में अच्छे से जी सको। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो मैं सामाजिक सच में लाता